यही कथा कीर्तन का रस ठाकुर जी की कृपा से जीव को मिल जाए तो वो दिन रात कथा के समुद्र में डूबा रहे, कीर्तन के सागर में सिंधु में डूबा रहे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने आगे सातवें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र है। श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, नैवो द्विजे पर दुरत्ते रही तरण्या तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्र। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मुझे संसार सागर से पार होने की कोई चिंता नहीं है और ना मुझे इस वैतरणी नदी से कोई भय है, किसी प्रकार का डर है, क्योंकि तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त आपके लीला रूपी अमृत में, कथा रूपी अमृत में, नाम रूपी अमृत में मेरा चित्त मग्न हो गया है, डूब गया है। यानी कथा कीर्तन के प्रति जिनका प्रेम हो गया, रुचि हो गई, कथा कीर्तन में जिन्हें रस आ गया, उन्हें भवसागर से, संसार सागर से पार होने के लिए ना कोई चिंता करनी है ना कोई भय करना है, क्योंकि जिन्होंने कथा कीर्तन रूपी जहाज को पकड़ लिया वो इस संसार सागर से बिना किसी मेहनत के, श्रम के सहज में पार हो जाएंगे। किंतु प्रहलाद जी आगे बोले, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। बोले मुझे अपने पार होने की चिंता नहीं है, भय नहीं है, लेकिन उनका उनकी बड़ी चिंता है जो संसार के विमूढ़ान विमूढ़ जी, जिनकी बुद्धि काम करना जिनकी बुद्धि ने बंद कर दिया है, जो एकदम विमूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं। विमूढ़ता क्या है? बोले भगवत भजन न करना, ये सबसे बड़ी मूढ़ता है। तो जो लोग, जिन्हें भगवत भजन का रस नहीं मिला है, ऐसे लोग संसार सागर से कैसे पार होंगे, मुझे उन लोगों की चिंता है। कथा कीर्तन ये एक नौका है, एक नाव है संसार सागर से पार होने की। जिन्होंने इसे पकड़ लिया, कथा कीर्तन रूपी जहाज में जो बैठ गए, उन्हें फिर भारी भवसागर से भय करने की, डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना सुंदर ये साधन है संसार सागर से पार होने का, सहज में अपना बैठो, आनंद पूर्वक कथा सुनो और कब कब में सहज में भवसागर से पार हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कोई शरीर को सुखाने की आवश्यकता है ना, कोई शरीर का शोषण करने की आवश्यकता है ना, कोई कठोर तप करने की आवश्यकता है ना, समाधि की आवश्यकता है। सहज में कथा कीर्तन के द्वारा जीव पार हो सकता है। कल कथा के प्रकरणों में हम लोगों ने जय विजय को संकादिक मुनि का शाप लगा, जिससे उन्हें आसुरी स्वभाव की, आसुरी योनि की प्राप्ति हुई। श्रीमद् गीता में भगवान ने कहा है, यद दत्त्वा न निवर्तन्ते तद् धामो परमो मम। ब्रह्मलोक तक जितना भी, एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सतल पाताल तलातल महातल आदि, और 7 लोग ऊपर हैं। 14 लोग मिलकर एक ब्रह्मांड बनते हैं, एक ब्रह्मांड बनता है। भू भुव सह जन लोग, तप लोग, महर लोग और सत्य लोग, ये 7 लोग ऊपर के हैं।
ऊपर के लोगों में सबसे ऊपर जो लोग हैं वो है सत्य लोग, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी विराजते हैं। भगवान ने श्रीमद गीता जी ने कहा, आप ब्रह्म भवनान लोकान पुनरावर्तन और जन्म। ब्रह्मलोक तक मनुष्य आता है तो जाता भी है, लेकिन मेरे धाम में जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, वैकुंठ धाम उनका नित्य धाम, बोले मेरे धाम में मेरे लोक में आने के बाद जीव का वहां से पुनरागमन नहीं होता है, जीव को फिर संसार में लौटना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग विचार करें, जय विजय भगवान के प्रिय पार्षद हैं, वो वैकुंठ से क्यों लौटने नीचे, जब भगवान ने गीता जी में कहा है कि मेरे लोक में एक बार जो आ गया तो वो संसार में नहीं लौटता, फिर जय विजय को असुर क्यों बनना पड़ा, वो क्यों लौटे। तो बोले भक्तापराध इतना बड़ा अपराध है, यह अपराध परम पद भूते उतरी नरक में पड़े, हरि भक्तन सो गर्व न करियो। भक्तापराध इतना बड़ा अपराध है कि ये अपराध अगर भगवत धाम में जाने के बाद भी भक्तों का अपराध किया तो वहां से भी गिरना पड़ेगा। इसका उदाहरण है जय विजय, भगवत धाम में पहुंच गए जिस धाम में जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, लेकिन भक्तापराध का कहीं भी मंगल नहीं है। जय विजय को वहां से भी गिरना पड़ा, और कहां तो ठाकुर जी के पार्षद थे, नित्य भगवान का दर्शन होता था, और कहां हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी आसुरी योनियां होने लगी, असुर बन गए भक्त का अपराध करने से। छह प्रकार का होता है भक्तापराध, हन्ति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवान्नाभिनन्दति क्रुध्यते यातिनो हर्षं दर्शने पतनांश। हन्ति, किसी को मार दिया, चाटा लगा दिया, ये अपराध हो गया। निंदति, किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, भक्तापराध। द्वेष्टि, भक्तों से द्वेष करना, उनसे अकारण चिढ़ना, उनसे बैर करना, ये भक्तापराध। वैष्णवान नाभिनंदति, कोई भक्त आए हैं और उठकर हमने उनका सत्कार नहीं किया। इंद्रद्युम्न राजा थे, बड़ा भजन किया उन्होंने, हजारों वर्षों तक भजन किया, लेकिन अगस्त ऋषि आए तो उठकर उनका सम्मान नहीं किया। तो भजन करने वाले राजा को भी और भक्तापराध के कारण उनको गज योनि में जाना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। तो वह कोई भक्त आए हैं उठकर हमने सम्मान नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया, ये अपराध हो गया। क्रुध्यते, भक्तों पर क्रोध करना, गुस्सा करना अपराध है।